अरे राजा साहब आदाब। आइए आइए राजा साहब आइए। आओ साहब भैया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बैठो साहब भैया। अरे साबरमिया जी तशरीफ रखिए। राजा साहब आज अचानक कैसे कैसे हैं साबरमिया जी? आपकी दुआ है। रास बिहारी आप मुझे अपनी फर्जंदी में लेने के लिए तैयार हो गए और आपकी साहबजादी ने मंजूर कर लिया। मुबारक राजा साहब। सद मुबारक। साबिर मियां आपको ही। लेकिन आपकी एक तजवीज है। मेरी एक गुजारिश है। अगर मेरे सरकार राजा साहब अभी निकाह फरमा लिए तो बहुत अच्छा था। ये मेरी बीवी का भी ख्याल है और क्षमा बेटी भी तैयार। आप क्या कहते हैं राजा साहब? हमें इतना वक्त तो चाहिए कि हम यहां से कहीं बाहर जा सकें। लेकिन आप लोग जाएंगे कहां? कहीं भी, यहां से बाहर। हम यहां तो निकाह कर नहीं सकते क्योंकि वो हाजी बड़ा मुसी है और अगर शिराज अली को पता चल गया तो वो हाजी से मिल जाएगा और दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका तलाक वो तो अभी पूरा नहीं हुआ। हम तलाक पूरा किए बगैर भी निकाह कर सकते हैं। इजाजत है राजा साहब? एक बार वो क्या कहते तीन बार तलाक 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 कह के किसी को खत्म कर दिए ना। नहीं राज बिहारी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम लिखकर नोटिस दे चुके हैं, इद्दत की मुद्दत भी बता चुके हैं। वो शिराज अली झगड़ा करेगा और हम ये नहीं चाहते। आप तैयार हैं? जो हुक्म सकता है। लेकिन आप जाएंगे कहां? भोपाल? नहीं, वहां हम नहीं जा सकते। वहां निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वहां तो आपकी आपा है भोपाल में। हम इसलिए वहां नहीं जाएंगे कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करें। लेकिन राजा साहब क्यों वो इनकार क्यों करेंगे? वो साबिर अली को कभी भूल नहीं करेंगे। उन्हें आला खानदान चाहिए। आप घबराइए मत, हमारे पास और भी जगह है। हम रशीदुद्दीन के यहां जाएंगे। लखनऊ वाले? जी हाँ, वो निगाह का सारा इंतजाम करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। वो पहले आदमी हैं जिन्होंने हमसे दोबारा निकाह करने के लिए बार बार कहा था और हमें लखनऊ भी बुला लिया। राजा साहब वो आप सोच लें कि मैं आपके दोस्तों को नहीं जानता। हम जानते हैं, हम लखनऊ जाएंगे। ना वहां किसी को पता चलेगा और ना शिराज अली और हाजी वहां पहुंच पाए। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, साबिर मियां से पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि कोई चोरी की नियत से इनके घर में घुसा। ये सिर्फ हाजी को भुलावे में रखने के लिए है कि शुबा चोरी का है उन पर नहीं। समझे आप? मैं पुलिस कमिश्नर को जानता हूँ, वो दो सिपाही तैनात कर देगा इनके घर पे इनके लखनऊ जाने तक। तैयारी में कुछ वक्त भी तो लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक बात और, आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, सारा इंतजाम मैं करूंगा, आप तो बस जाएंगे। और आपको ये भी कबूल है कि राजा साहब तलाक बाद में पूरा करें, अभी ऐसा कुछ न करें जिससे बेगम को शक हो कि कुछ होने वाला जी। समझ गए ना? तो फिर घर में भी समझा दीजिए। ठीक है, तो फिर आप पुलिस स्टेशन गाड़ी ले जाइए। अरे नहीं नहीं राजा साहब, रिक्शा में जाने दीजिए। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि कुछ बदल गया है। क्यों साबिर? आप तशरीफ ले जाइए।